गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सर। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरणाय। सुको टल गुर सेविया, अहनिस सहज सवाए, दर्शन परस गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होए सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सजान सच्चा पातशाह, सिर शाहद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा विसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, कार दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौर सागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभ पावे, सरवर मह हंस प्राण पत पावे, गुर सागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभ पावे, सरवर मह हंस प्राण पत पावे। क्या भग भपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए, रख रख चरण तरे विचारी,
रोबदा छोड़ पाए निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवण जान रहे गुर रखे सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे त्रिभवन ज्योत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पै काटण हारे हम मार मिले भगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबिधा खोए चीन स ब्रह्म ब्रह्म रो कहता पढ़ता सुनता एक तीरज तरम तरणी तर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लगे गुर के शब्द परम पौ भग सूरत मूरत आदि अनूप जाच साच स्वरूप साच
निर्मल मैल न लगे गौर के शब्द परम पाव भग सूरत मूरत साच स्वरूप वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनाश्री महला पहला कार दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी पार पूरे अमृत संत चुगहे नहीं दूरे हर रस चोग चुगहे प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। राग तनासरी घर दूजे विच गुरु नानक देव जी दी अठ बंदा वाली बाणी अकाल पुरख एक है अते सतगुरु दी कृपा नाल मिलता है। गुरु मानो एक समुंदर है जो प्रभु की सिफत सलाह के रत्ना नाल नको नक भरिया होया है। गुरमुख सिख उस सागर विच्चों आत्मक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं जिवें हंस मोती चुगते हैं ते गुरु तो दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हरि नाम रस की चोग चुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकया रहता है ते जिंदे मालक प्रभु नू लभ लैंदा है। विचारा बगला छपड़ी विच कादे लई नहाउंदा है कुछ नहीं खटदा सगो छपड़ी विच नहा के चिक्कड़ विच डुबदा है। उसकी यह मैल दूर नहीं हुंदी। जिहड़ा मनुख गुरु समुंदर नू छड़ के देवी देवत्यां आदक होर दे आसरे पालदा है वह मानो छपड़ी विच ही नहा रहा है। उत्थों ओह होर माया मोह दी मैल सहेड़ लैंदा है। रहाओ गुरसिख बड़ा सुचेत हो के पूरी विचार नाल जीवन सफर विच पैर रखता है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे की भाल छड़ के परमात्मा का ही बन जाता है। परमात्मा के नाम का रस चख के गुरसिख ओह पदार्थ हासिल कर लैंदा है जो माया दे मोह तो खलासी दवा दिंदा है। जिसकी गुरु ने सहायता कर दी उसके जन्म मन के गेड़ मुक गए। जिमें हंस मान सरोवर नू छड़ के नहीं जाता तिवें जिहड़ा सिख गुरु का दर छड़ के नहीं जाता वह प्रेम भगती की बरकत नाल अडोल आत्मक अवस्था विच लीन हो जाता है। जिहड़ा गुरसिख हंस गुरु सरोवर विच टिकदा है उसके अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रगट करता है। उस सिख के अंदर गुरु वस पैंदा है। यह कथा अकथ है भाव इस आत्मक अवस्था का बयान नहीं हो सकता। सिर्फ ये कह सकते हाँ कि गुरु के बचना उत्ते तुर के वह लोक परलोक विच आदर पाता है। जिहड़ा कोई विरला प्रभु चरणा विच जुड़िया बंदा अफुर अवस्था विच टिकदा है उसके अंदर स्त्री मर्द वाली तमीज नहीं रहती भाव उसके अंदर काम चेष्टा जोर नहीं पाती। दसो कोई यह संकल्प कर भी किवें सकता है क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा विच सुरत जोड़ी रखता है जिसकी जोत तिना भवना विच व्यापक है अते देवते मनुखनाथ आदक सब जिस सदा थिर दी शरण लई रखते हैं। गुरमुख हंस गुरु सागर विच टिक के उस प्राणपति प्रभु नू मिलता है जो आत्मक आनंद का सोमा है जो न्यासरियां का आसरा है। गुरमुख उसकी भगती की राही अते उसके गुणा की विचार की राही अडोल आत्मक अवस्था विच टिके रहिंदे हन।
वह प्रभु अपने सेवकों की भगती नाल प्रेम करता है, उन्हां दे सारे डर दूर करन दे समर्थ है। गुरमुख हौमे मार के अते साध संगत विच टिके उस आनंद मूल प्रभु दे चरणा विच जुड़ते हैं। अनेकां होर जतन करन करके सहेड़ी हुई आत्मक मौत उसनू सदा दुखी करती है। वह पिछले किते कर्मां अनुसार तुरों आत्मक मौत दा लेख ही अपने मत्थे उत्ते लिखा के इस जगत विच आया, ते इत्थों भी आत्मक मौत ही विहांजता रहा। वह मनुख हौमे विच पटक पटक के दुखी हुंदा है। परमात्मा तो बिना किसी होर आसरे की भाल विच वह अमोलक मनुखा जन्म नू गवा लैंदा है। जिहड़ा मनुख विचारे बगले वांग हौमे की छपड़ी विच ही नहाउंदा रहिंदा है ते अपने आत्मक जीवन नू नहीं पछाणदा, पर जिहड़ा मनुख एक परमात्मा की सिफत सलाह ही नित उचारदा है, पढ़ता है ते सुनता है ते धरती दे आसरे प्रभु की टेक फड़दा है, वह गंभीर सुभाव ग्रहण करता है। वह मनुख जीवन के फर्ज नू पछाणदा है। जत सत ते संजम उस मनुख के हिरदे विच सुते ही लीन रहिंदे हन। जे वह गुरु की शरण विच रह के अपने मन नू उस आत्मक अवस्था विच गिजा लै जिथे माया के तिन्ने ही गुण जोर नहीं पा सकते, सदा थिर प्रभु विच टिक के पवित्र होए मनुख दे मन नू विकारां दी मैल नहीं चंबड़दी। गुरु दे शब्द दी बरकत नाल उसदी भटकना दूर हो जाती है, उसका दुनिया वाला डर सहम मुक जाता है। जिस वर्गा होर कोई नहीं है, जिस दी सोहनी सूरत ते जिसका वजूद आद तो ही चलिया आ रहा है, नानक जी भी उस सदा थिर हस्ती वाले प्रभु दे दर तो नाम की दात मांगते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।